भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। मैम, आज के अगर कार्यक्रम की चर्चा की जाए तो इसमें अहम क्या है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 7 सालों में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उन सभी कामों को हमारे कार्यकर्ताओं तक हम पहुँचा सकें और कार्यकर्ता उसको धरातल तक पहुँचा सकें, इसलिए आज जो है ये प्रदेश परिषद की बैठक की गई है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अब की बार जो है बहुत लेट हुई, मेरे ख्याल से शायद जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताते हैं 39 ईयर्स के बाद ये हुई है। तो आपने देखा होगा कि सात साल सात कमाल कि उसमें खास क्या साथ ऐसी बातें रही, वो उसके बारे में जो है वो पूरे विस्तार से, और इसके साथ साथ प्रस्तावना रखी गई है और उस प्रस्तावना का सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं, सभी नेतृत्व हैं, वो उसका अनुमोदन कर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो कि प्रकोष्ठ लेवल में भी हैं और प्रकल्प लेवल पर भी हैं, मंडल अध्यक्ष तक हैं, उस लेवल के सभी पदाधिकारियों को और सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, और ये जो उनको ये बात जो बताई जाएगी, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको ये बता सकें कि ये बात वो धरातल तक, ज़मीनी स्तर तक जो है वो कार्यकर्ताओं को बताएँ। मैम, जिस प्रकार से किसी भी सरकार को बनाने के लिए उस पार्टी के संगठन की अहम भूमिका रहती है, लेकिन ऐसा देखा जाता है जब सरकार सत्ता में आ जाती है तो संगठन दरकिनार हो जाता है, उसको शून्य कर दिया जाता है, डमी आदमी ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहाँ आज मूवमेंट से ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला उन्होंने जान फूंक दिया संगठन के अंदर, और कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत जोश के साथ जो हैं वो कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, चाहे आप तिरंगा यात्रा की बात करें, चाहे आप जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमने जन्मोत्सव 20 दिन के लिए जो मनाया था उनका 71वां, उसकी हम बात करें, उसमें जो कार्यक्रम जगह जगह पे किए गए, चाहे युवाओं ने उसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हों, चाहे पर्यावरण को देखते हुए पेड़ पौधे लगाए हों, जगह जगह पर सेमिनार हुए हों, आप ये देखिए कि NRI डिपार्टमेंट जो है उसने अभी पिछले दिनों ही जो गुड़गांव के अंदर जो है वो 71 महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। तो सभी जो हमारे सेल हैं, सभी हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, उनके अंदर एक जान फूंकने का काम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, और उसकी एक वानगी आप देख भी रहे हैं कि कार्यकर्ता किस तरह से पूरे हरियाणा से चारों तरफ से जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में अभी तक प्रमुख चेहरे नेताओं के रूप में कौन कौन से मौजूद हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष जी तो हमारे हैं ही, इसके साथ साथ हमारी जो मंत्री हैं कमलेश ढांडा जी हैं, बनवारी लाल जी हैं, आदरणीय अनिल विज जी हैं, और इसके साथ साथ हमारे बनवारी लाल जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, हमारे पूर्व के अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी हैं, पूर्व के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, तो ये सब लोग आए। मैम, जब BJP विपक्ष में थी तब महिलाओं की भागीदारी 33% करने के लिए विधानसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाती रही है, आज क्या स्थिति है? आप महिला हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो हमारी आपने देखा होगा कि अगर हम लोकसभा की भी बात करें तो 48 के करीब जो हैं वो लोकसभा की सांसद हमारी भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो वो सब मिलकर जब हम लोग बैठते हैं बात करते हैं तो हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं, और हमारा नेतृत्व भी जो है इस बात को लेकर संजीदा है कि समय आने पर ज़रूर जो है वो वहाँ पर जो हमारी महिलाओं की रिजर्वेशन है उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। नशे को लेकर आपने काफ़ी आवाज़ उठाई क्योंकि आपका एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उस मामले में क्या कहेंगे? उस मामले में ये कहूँगी कि आज की ताज़ा खबर है 7.5 करोड़ रुपया की जो है असेट्स जो हैं उसको अटैच किया गया है यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर, और खासकर शायद जान लगता है मुझे कि कुरुक्षेत्र के आसपास में। तो आप ये देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि अब जो भी हमारा जो ड्रग माफिया है वो इस बात को देख के समझेगा कि अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की तो उनका जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया जाएगा। 7.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया गया है। अगर आपके लोकसभा के क्षेत्र की बात की जाए तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या हैं जो आगे पूरे करवाने हैं, और अब तक क्या पूरे करवाए? देखिए, मैंने त्रिपुर सुंदरी जो हमारी रेलवे है उसको मैंने वहाँ से स्टार्ट करवाया है, वो मेरे ख्याल से शायद 25-30 साल के बाद पहली बार जो है हमारा सिरसा का इलाका जो है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया से जुड़ेगा, त्रिपुर सुंदरी अगरतला बीच में बिहार UP होते हुए, तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है हमारे सिरसा वासियों के लिए है। इसके साथ साथ किसान रेल शुरू की गई है, और इसके साथ साथ रेल जो है उसका आवागमन और भी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा ट्रेन जो हैं वो हमारे एरिया में आए और वहाँ से जाएँ, इस बात की मेरी कोशिश है। इसलिए अभी जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमारे सिरसा एरिया में हाइड्रेंट लगना चाहिए, जैसे ही वहाँ पर हाइड्रेंट लगेगा तो उससे जो जो गाड़ियाँ हैं उनका आवागमन बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अगर आप देखें तो गाँव में भी जो है अब सड़कों का जाल बिछ गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ हमारे सिरसा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है,
और बहुत से विकास के कार्य ऐसे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इलाके में चल रहे हैं। धन्यवाद मैम। तो ये हैं सुनीता दुग्गल, बीजेपी की सांसद हैं सिरसा लोकसभा से। देखिए, इनसे खुलकर चर्चा की आज के कार्यक्रम और सिरसा लोकसभा के मुद्दों को लेकर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।